हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वाटर प्यूरीफायर कोर्स के पहले दिन की वीडियो होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस कोर्स के इंट्रो वीडियो को जरूर देख लिया होगा। आप लोगों को बता दें कि ये जो इंट्रो वीडियो, यानी इससे पहले आपने इस कोर्स का जो वीडियो देखा है, वह इंट्रो वीडियो इस वीडियो से लगभग 2 महीना पहले ही शूट कर लिया गया था, लेकिन समय के अभाव के चलते, यानी कि केवल इंट्रो वीडियो शूट किया था और बाकी कोर्स का वीडियो के लिए मेरे पास समय नहीं था, इस वजह से मैंने उस वीडियो को चैनल पर अपलोड नहीं किया था। अभी समय मिल गया है, अब हम जो है कि कंटिन्यू आप लोगों को ये कोर्स समाप्त करके इस चैनल पर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि जो हमारा 5 महीने का गैप रहा इस चैनल के ऊपर, उस 5 महीने के अंदर हमने क्या किया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में जो वर्कलोड होता है, यानी फील्ड वर्क जो होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है और फील्ड वर्क भी हम करते हैं, इसके वजह से समय नहीं मिला। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों के लिए हमने किया है, एक बुक हमने आप लोगों के लिए लिख दिया है और वह बुक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। केवल उसमें जो है कि एक कार्य बाकी रह गया है, आप यहाँ पर उसका फ्रंट जो कवर होता है देख सकते हैं, उसमें अभी एक कार्य बाकी है, वो प्रिंट करने के लिए दे दिया गया है और ईबुक फॉर्म में भी हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लगभग 15 अगस्त या उसी के आसपास जो है कि आपको फिजिकल बुक और ईबुक, ये दोनों तरह से बुक जो है कि आपके पास पहुंचेगी। इसको आप कैसे मंगवाएंगे, इसके ऊपर हम एक विस्तृत वीडियो लेकर के आएंगे जब पूरी तरह से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम इस फील्ड में 11 सालों से कार्यरत हैं और इस 11 सालों के अंदर हमने बहुत सारे किताब को देखा और बहुत सारे किताबों से पढ़ाया भी। शुरू में मैंने किताब से ही पढ़ाता था, लेकिन ऐसा जो है कि हमारा अनुभव रहा है कि ऐसा कोई बुक मार्केट में नहीं मिलती है जिसे कोई बिल्कुल, जो जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि एसी फ्रिज कैसे रिपेयर होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उस पुस्तक को पढ़ करके पूरी बातें समझ पाए। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है अपने पुस्तक के द्वारा, ये जो पुस्तक है आप देख सकते हैं, विंडो और स्प्लिट एसी रिपेयरिंग मैनुअल। इस पुस्तक को आप देख करके या पढ़ करके पूरा 0 लेवल से जानकारी अपने साधारण भाषा में प्राप्त कर सकते हैं और 100% जो है कि ये प्रैक्टिकल पर आधारित है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये पुस्तक पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वाटर प्यूरीफायर क्या होता है, पानी की शुद्धता कैसे नापी जाती है, पानी के आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर प्यूरीफायर क्या होता है। यहाँ पर आप बगल में चित्र देख सकते हैं, इसको ज़्यादातर लोग जो है कि आरओ के नाम से जानते हैं, लेकिन आरओ कहना ये गलत हो सकता है, क्योंकि आरओ जो होता है एक प्रकार का इसके अंदर कार्य करने वाला व्यवस्था है, उसमें जो है कि बहुत सारे सिस्टम लगाए जाते हैं, आरओ भी उन्हीं में से एक होता है। इस मशीन का शुद्ध नाम जो आप समझेंगे वह वाटर प्यूरीफायर होता है। वाटर प्यूरीफायर क्या करता है, तो पानी को शुद्ध करने का काम करता है, यानी यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम जो पानी है, यदि अशुद्ध है तो उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। पानी किस तरीके से अशुद्ध हो सकता है या कैसे पानी को हम अशुद्ध मान सकते हैं या फिर शुद्ध पानी क्या होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पानी की शुद्धता नापने के लिए 2 मीटर आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये जो आप मीटर देख रहे हैं इसको TDS मीटर कहा जाता है और इसके जो बगल में आप देख रहे हैं इसको PH मीटर कहा जाता है। TDS मीटर के द्वारा हम पानी के अंदर घुले हुए उन मिनरल्स के बारे में पता कर पाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। तो उन मिनरल्स को जानने के लिए हम इस TDS मीटर से पता करते हैं। बाकी पानी आपका क्षारीय है या अम्लीय है, इसके बारे में पता करने के लिए ये जो आप मीटर देख रहे हैं, इस मीटर से हम जो है कि पानी की क्षारीयता या फिर अम्लीयता को पता किया जा सकता है। फ्रेंड, चलिए हम इसको समझते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले आपके पास यदि पानी है तो उसको आप एक गिलास में या फिर कोई भी बर्तन में निकाल लीजिए, उस बर्तन के अंदर पानी को रखिए और उसमें जो है कि अपना TDS मीटर सबसे पहले डालिए। TDS मीटर का नीचे वाला भाग में एक सेंसर होता है जो कि यह पता कर पाता है कि पानी के जो आवश्यक पोषक तत्व, यानी कि ये सभी जो मिनरल्स लिखे गए हैं आप यहाँ पर
देख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, आर्सेनिक, क्लोरीन, सोडियम, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट इत्यादि, ये सारे भाग जो है कि हमारे पानी के अंदर कितनी मात्रा में मौजूद है। आपको बता दें कि ये जो पोषक तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं पानी के अंदर, आवश्यकता से अधिक हो जाएंगे तब भी पानी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। यदि इनकी जो मात्रा है पानी में कम हो जाएगी तब भी यह पानी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो पानी जो है कि पानी के अंदर कितने ये पोषक तत्व होने चाहिए, कितने मात्रा में होने चाहिए, तो एक लीटर के अंदर, एक लीटर पानी में इनकी मात्रा 50 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक रहेगा तो हमारा पानी सही माना जाएगा। यानी पानी के अंदर पोषक तत्व मौजूद हैं, ठीक ठाक मात्रा में मौजूद हैं, यदि 50 से लेके 500 के बीच में है तो। अब इसके बाद यदि आपके पोषक तत्व पानी के अंदर आपको पता चल गया कि नहीं ठीक ठाक है, उसके बाद दूसरा इस पानी की टेस्टिंग करते हैं, हम पीएच देखते हैं। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि हम यह पता करते हैं कि हमारा जो पानी है वह अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय पानी भी पीना हानिकारक हो सकता है, ज़्यादा अम्लीय रहेगा तब भी हानिकारक है और ज़्यादा क्षारीय रहेगा तब भी हानिकारक है। ये जो पीएच मीटर आप देख रहे हैं इसी के द्वारा हम पानी की अम्लीयता या क्षारीयता को पता करते हैं। पानी की जो अम्लीयता या क्षारीयता होता है वो 0 से लेकर के 14 के बीच में नापा जाता है और बीच में एक अंक आएगा 7। यदि 7 से नीचे मान बता रहा है हमारा जो ये पीएच मीटर है, यदि 7 से नीचे बताएगा तो समझ लीजिएगा कि पानी जो है अम्लीय है और 7 से ऊपर बताएगा तो पानी क्षारीय है। यदि 7 बताता है तो समझ लीजिएगा पानी जो है उदासीन है या न्यूट्रल उसको कह सकते हैं, अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि पानी न क्षारीय है न अम्लीय है, यानी 7 पीएच का जो पानी होता है बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। अब 7 जो पीएच का पानी है वो सभी के घरों में नहीं मौजूद होता है, इसी के आसपास जो है कि पानी की पीएच मान मिल जाता है। तो कितना होना चाहिए, तो 6.5 पीएच से लेकर के 8.5 पीएच तक, यानी कि 6.5 पीएच से लेकर के 8.5 पीएच तक के मान का पानी है आपके घर का, तो समझ लीजिएगा कि पीएच वैल्यू और आपका जो टीडीएस है 50 से लेके 500 के बीच में है तो बिल्कुल पानी जो है कि ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अलावा हमें और भी टेस्टिंग करना होता है कि पानी पीने लायक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम ये जो पानी है बिल्कुल शीशे के गिलास में, यानी कांच के गिलास में, ऐसा गिलास जो पारदर्शी हो उसके अंदर हम उस पानी को डालते हैं। उसके बाद यानी ये दो चेकिंग करने के बाद अब आपको खुद का चेकिंग करना है कि मतलब खुद से बिना मशीन का चेक करना है, तो देखना ये है कि पानी के अंदर आप शीशे के गिलास में रख करके पानी को देखें बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई भी छोटा मोटा कण नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि ऐसे कण दिखाई देते हैं तो पानी जो है कि पीने लायक नहीं है, भले ही आपका पीएच वैल्यू ठीक है या फिर टीडीएस ठीक है, तो उसमें कोई छोटे मोटे कण नहीं दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा दूसरा उसमें हम टेस्टिंग करेंगे, यानी आँखों से डायरेक्ट हम टेस्टिंग करते हैं बिना जो है कि कोई मशीन का, उस पानी का कलर जो है बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, किसी भी तरह से उसके अंदर कोई भी पीलापन या फिर किसी भी तरह का अलग कलर उसमें पानी में नहीं दिखना चाहिए। एक दो चेकिंग हो गया, तीसरा चेकिंग हम यह देखते हैं कि पानी में किसी तरह का स्मेल नहीं आना चाहिए, यानी कि टोटल 5 चेकिंग करने के बाद हमें यह पता चल पाता है कि हमारा पानी है जो कि शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। कौन कौन सा, तो पहले हम टीडीएस चेक करते हैं, टीडीएस मीटर से 50 से 500 के बीच में होना चाहिए। पीएच मीटर से हम पानी का पीएच वैल्यू चेक करते हैं जो कि 6.5 से 8.5 होना चाहिए। उसके बाद हम अपने
आंखों से ही देख करके पानी को और फिर उसका स्मेल ले करके पता कर पाते हैं कि पानी शुद्ध है कि नहीं है। तो उसमें हम जो है कि बिना मशीन का तीन चेकिंग करते हैं। पहले तो हम उसको देखते हैं, उसके अंदर कोई छोटा मोटा कड़ नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि ऐसा है तो पानी ठीक है। उसके बाद पानी का कलर जो है कि बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। उसके बाद जो है कि पानी के अंदर से किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं आना चाहिए। तो ये टोटल 5 चेकिंग है जिससे जो है कि आप पता कर पाएंगे कि पानी जो है शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। इस बात का पता करने के बाद ही हम यह कंफर्म कर पाते हैं कि हमारा जो पानी है वो पीने लायक है या फिर पीने लायक नहीं है। यानी कि अपने घर में हमें आरओ लगाना चाहिए। आरओ का मतलब ये वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो इसके बारे में आपको कंफर्म पता चल पाया होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।